बच्चों मैं आपको दो चार समीकरण को हल करना एवं उत्तर की जांच करना बताऊं। पहले चिन्ह का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, प्लस और माइनस उनके हम गुणा करेंगे चिन्हों की आपस में, तो चिन्ह प्लस का कब आता है, माइनस का कब आता है। देखिए जब हम प्लस चिन्ह की गुणा करेंगे प्लस चिन्ह से, तो चिन्ह आपका प्लस का है। जब हम माइनस चिन्ह की गुणा करेंगे माइनस से, चिन्ह प्लस का है। जब हम माइनस चिन्ह की गुणा करेंगे प्लस चिन्ह से, चिन्ह माइनस का है। जब हम प्लस चिन्ह की गुणा करेंगे माइनस चिन्ह से, चिन्ह माइनस का है। देखने वाली बात इसमें यह है, जब चिन्ह सेम होंगे, एक से होंगे, उनकी गुणा होगी तो चिन्ह हमेशा प्लस का है। इसका चिन्ह होगा जब चिन्ह अलग अलग डिफरेंस होंगे, यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस का, जब उनकी गुणा करेंगे चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का होगा। इसमें होगा माइनस में, ठीक है। अब हम अपने समीकरण को हल करते हैं। दो चार समीकरण मैं आपको दो समीकरण दूंगा और वो दो चर में होंगे, एक्स माइनस वाई बराबर दस, समीकरण नंबर एक, एक्स प्लस वाई बराबर छ, समीकरण नंबर दो। इसको हल करने के लिए हमको एक्स या वाई में से दोनों समीकरणों के एक्स या वाई में से एक पद को विलुप्त करना पड़ता है, एक पद को खत्म करना पड़ता है। अब खत्म करने के लिए हमको पहले ये देखना है कि वो पद बराबर होना चाहिए और विपरीत चिन्ह क्यों होना चाहिए, यानी कि प्लस का और माइनस का। अब समीकरण एक में हमने देखा एक्स काय का है, प्लस का है माइनस का, एक्स प्लस का है, वाई काय में है। समीकरण दो में एक्स किसमें है, वाई काय में, वाई किसमें है, प्लस में है। तो इसका मतलब ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, बराबर है तो ये विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त मतलब हमको काट देंगे, कैंसिल हमारा। अब हम उसको जोड़ लेंगे, एक्स और एक्स, टू एक्स कितने हो गए, टू एक्स बराबर दस बच्चे सोलह। अब हमको एक्स का मान निकालना है, ये दो एक्स के गुणा में है, इस पर जाएगा किसमें होगा, बटे में आएगा, इसमें आएगा बटे में, दो की टेबल आ गई सोलह में, दो अट्ठे सोलह, एक्स का मान कितना निकल गया आठ। अब हमको दूसरे चर का मान निकालना है, यानी कि दूसरा चर क्या बचा, वाई। अब इस एक्स का मान चाहे तो समीकरण एक में रखो, चाहे तो समीकरण दो में रखो, आपको एक में अच्छा लगे तो एक में रखो, दो में अच्छा लगे तो दो में रखो। आप किस में रखोगे, एक में रखोगे, किस में रखते हैं, एक में। एक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, अब आपका समीकरण नंबर एक बताऊंगा, हमारा समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर दस, एक्स का मान कितना निकल के आया, आठ। एक्स के स्थान पर आप, एक्स के स्थान पर आप आठ रखें, आठ मान, बाकी कुछ सेम को ऐसे उतार। हमको वाई का मान निकालना है, वाई को इधर ही रोक लेते हैं, आठ प्लस में है, दस के इस पार जाएगा, इसमें होगा माइनस में, माइनस वाई बराबर दस में से आठ मिला, कितना बचा दो, और ये माइनस का है तो माइनस का गुणा कर देंगे, प्लस माने के लिए माइनस से गुणा, माइनस माइनस प्लस, वाई बराबर प्लस माइनस दो। अब आपका एस का भी मान आ गया एस बराबर आठ, और वाई का ही मान आ गया वाई बराबर माइनस दो। अब हमको जांच करना, हमें अपने उत्तरों की जांच करना, अगर हमें जांच हमारे आ गई तो हमारे ये दोनों एक्स और वाई के मान राइट निकल गया, सही निकल गया। अब जांच करने के लिए हमें करना क्या होता है, किसी एक समीकरण को लेंगे, या समीकरण एक को लेंगे या समीकरण दो को लेंगे, उसमें एक्स और वाई दोनों के मान हम लोग रख देंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारी जाँच भी हो जाएगी, तो हमने जो आंसर निकाला है, उत्तर निकाला है एक्स और वाई का, वो सही होगा।
तो आप एस को बाद में मान समीकरण एक पर रखोगे दो में दो में समीकरण दो में लिख दो जांच की एस प्लस बाई बराबर छ एस का मान कितना निकल गया यार आर प्लस बाई का मान कितना निकल गया यार माइनस दो बराबर छ प्लस माइनस माइनस बराबर छ आठ में दो गया छ बराबर छ जांच हो गई। इसका मतलब हमने एस और बाई की जो मान निकाले हैं आठ और माइनस दो वो हमारे ठीक राइट। देखिए बच्चों दूसरा हमारा स्टेप जो है वो हमने दो समीकरण लिए एस प्लस तीन वाई बराबर पंद्रह समीकरण नंबर एक टू एक्स प्लस वाई बराबर पांच समीकरण नंबर दो। तो इसमें हमारा कोई सा भी चर बराबर में नहीं पहली समस्या है। दूसरी समस्या दोनों चर एक ही चिन्ह में है वो चिन्ह कौन सा प्लस में है। तो किसी भी चर को विलुप्त करने के लिए खत्म करने के लिए चर बराबर होना चाहिए और उनके चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो हमको इसमें से एक के चर बराबर करना पड़ेगा या तो एस के चर बराबर कर लो समीकरण में या बाय के। मैं कहता हूँ कि समीकरण नंबर अगर एक में हम दो से गुणा कर दें तो हमारे यहाँ कितने एस हो जाएंगे दो एस कितने हो जाएंगे दो एस और दूसरे समीकरण में दो एस जीरो होगी। फिर हम चिन्ह उनके चेंज कर देंगे बदल देंगे तब ये हमारा एस विरुद्ध हो जाएगा। तो समीकरण नंबर एक में दो से गुणा करने का समीकरण नंबर एक में दो से गुणा करने समीकरण नंबर एक में दो से गुणा करने का। अच्छा समीकरण में जितने पद होते हैं गुणा करना है सभी पदों में गुणा होगी भाग करना है सभी पदों में भाग होगी। तो हमारा समीकरण नंबर एक में कितने पद हैं एक दो तीन। तो इन तीनों पदों में दो से गुणा होगी ठीक है। तो दो से गुणा करिए हमने एक्स में क्या बन गया हमारा ये दो एक्स दो दिया छः वाई बराबर दो किया हमने गुणा करी पंद्रह पंद्रह दूनी तीस ठीक है। अब हम अपने दूसरे समीकरण को चाहो तो समीकरण का नया नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर तीन चाहो तो ठीक है। इसको हमने नया नाम दिया समीकरण नंबर तीन। तो हमने अपने दूसरे समीकरण को इस समीकरण के नीचे हमने उतार दिया दो एक्स प्लस बाई बराबर पाँच दो एक्स प्लस बाई बराबर पाँच। देखिए बच्चों आपके ऐसे बराबर है सर मगर चिन्ह के इनके अलग अलग हैं एक से चिन्ह चिन्ह एक से है चिन्ह कैसे है ये दो एस भी प्लस में है और ये दो एस भी प्लस में है। प्लस का चिन्ह जरूर नहीं है शो किया गया दिखाया गया अगर किसी भी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम प्लस का समझेंगे इसका ठीक है किसका समझेंगे तो हम इसके चिन्ह बदल देते हैं। जब चिन्ह बदलने का नंबर आता है तो पद में जितने चिन्ह होते हैं समीकरण में वो सभी चिन्ह चेंज होते हैं। यहाँ पर माइनस का हो गया ये भाई प्लस में क्या किसमें हो गया माइनस में पाँच प्लस में किसमें हो गया माइनस। देखिए दो एक्स प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया ग्रुप। अब यहाँ पर ये छः वाई कायम है प्लस में और ये वाई कायम है माइनस में तो चिन्ह इनके एक से है या अलग अलग है अलग अलग है तो घट जाए। जब चिन्ह एक से होते हैं तब जुड़ते हैं और चिन्ह अलग अलग होते हैं तब घटते हैं घटने पर बचते उसी के हैं जिसके ज़्यादा होते हैं। अगर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। तो छः वाई में से एक वाई निकल गया तो प्लस का कितना वाई बचा पाँच वाई। प्लस चिन्ह को सो करो या मत करो माना प्लस का ही जाए बराबर ये यहाँ भी चिन्ह अलग है कि तीस प्लस में है और पाँच तीस में से पाँच निकल कितना बचा अच्छे से। अब हम वाई का मान निकालना है कि पाँच गुणा में वाई की इस पार जाएगा किसमें होगा बटे अच्छा हम वाई का मान आपका निकल जाएगा पाँच। अब हमको एस का मान निकालना है। अब एस का मान निकालेंगे कि वाई के मान को समीकरण नंबर एक में रखो इस समीकरण नंबर दो में रखो मैं समीकरण नंबर एक में रखता हूँ ठीक है। वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने ठीक। अब आप अपना समीकरण नंबर एक को उतारिए समीकरण एक है हमारा एक्स प्लस थ्री वाई बराबर पंद्रह और मैं एक्स का मान निकालना वाई का मान कितना निकल गया यार पाँच कितना आया पाँच बराबर पंद्रह ये गुणा है
हमको एस का मान निकालना है, 15 स्क्वायर देना है, 15 प्लस में है, बराबर का स्क्वायर जाएगा किसमें होगा, माइनस में होगा। 15 में 15 कितना बचा, जीरो। यह आपका आंसर हो गया और यह आपका आंसर हो गया। आपका एक्स पे भी मान निकल गया है, एक्स बराबर जीरो। आपका वाई का भी मान निकल गया है, वाई बराबर 5। अब हमको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करने के लिए हम अपना एक समीकरण लेंगे, यह समीकरण एक लो या दो लो या समीकरण 3 लो, आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। अब हमको अपने उत्तर की जांच करनी है। तो हमारा एक्स का मान कितना निकल के आया था, जीरो। वाई का मान 5 निकल के आया। अब हमने अपना प्रथम समीकरण एस समीकरण लिया, जांच के लिए एक्स प्लस 3y बराबर 15। जो हमारा एस का मान जीरो निकल के आया वो हमने एस यहाँ पर जीरो ले लिया, ये मिला हुआ है, इसके मतलब गुणा के रूप में है 3 बाई के। बाई का मान कितना निकल गया था, 5 बराबर 15। 0 प्लस 3 पंजे 15 बराबर 15। 15 को 0 को हमने जोड़ा तो 15 ही आया, क्या आएगा, 0 को जोड़ो या घटाओ उतना ही रहेगा, बराबर 15। अब हमारी जांच भी हो गई, तो इसका मतलब जो हमने एस का मान 0 और बाई का मान 5 निकाला है वो हमारा ठीक। इस तरीके से हमारा दो चर वाला दूसरा समीकरण समाप्त हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैथ का कोई दूसरा मटेरियल लेकर आएंगे।